रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा दिल्ली में दरगाह और मस्जिदों में दीप जलाएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने योजना बनाई है कि दिल्ली के जामा मस्जिद, निजामुद्दीन दरगाह, कुतुब मीनार इलाके समेत पूरे दिल्ली के 36 दरगाहों और प्रसिद्ध मस्जिदों में दिवाली मनाएगी। 12 जनवरी से 22 जनवरी तक बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे देश में दीप जलाने का कार्यक्रम चलाएगा। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। 22 जनवरी के लिए यूं तो प्रधानमंत्री ने सभी से आह्वान किया है कि उस दिन दीपावली मनाइए, राम नाम का दीप जलाइए। ऐसे में बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसकी ओर से ये फैसला किया गया कि 36 मस्जिद दरगाहों में दिल्ली में किस तरीके से उनकी ओर से राम नाम का दीप जलाया जाएगा और एकता का संदेश इस दीप के जरिए भी दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। एक बहुत अच्छी खबर भी है, एक बहुत अच्छी पहल भी है कि जिस राम मंदिर को लेकर राजनेता धर्म के लिहाज से सियासत करते रहे थे, अब जब वो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तब वहीं से एक एकता का संदेश निकल कर आ रहा है। और क्या मस्जिद, क्या दरगाह, क्या मंदिर, हर जगह दीपावली मनाई जाएगी। जैसा त्रेता युग में हुआ, जब राम लौट कर आए तो अयोध्या के घर घर में दीप जला, जाति धर्म से ऊपर उठकर, कुछ वैसा ही 22 जनवरी को भी आप देखेंगे कि कैसे जाति धर्म से ऊपर उठकर अब दरगाह और मस्जिद में भी दीप जलाया जाएगा। क्योंकि जब दीप जलता है तो वो किसी धर्म को नहीं देखता है, वो हर ओर उजाला फैलाता है। यतेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, निश्चित तौर पर एक अच्छा फैसला है कि जिस धर्म से राजनीति शुरू हुई थी राम मंदिर को लेकर, अब देखिए कि कितना अच्छा चीज यहाँ निकल कर आई है। देखिए, बिल्कुल, अल्पसंख्यक मोर्चा जो बीजेपी का मोर्चा है, उन्होंने एक पूरे 12 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक दीप जलाने का निर्णय किया है। और एक मैसेज ये भी है अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से, जो कि बार बार बात जो धर्म के नाम पर फैलाई जाती है कि मुस्लिम समाज काफी विरोध में है, तो वो एक मैसेज देगा कि मुस्लिम समाज भी इस फैसले का स्वागत कर रहा है। जिस तरह से रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, इसलिए पूरे 10 दिन तक पूरे देश भर में अल्पसंख्यक मोर्चा मुसलमानों की तरफ से यही मैसेज देगा कि सभी नहीं है, कुछ मुसलमान जरूर, जो राजनीतिक पार्टियां जो मैसेज दे रही हैं वो ऐसा नहीं है, मुसलमान समाज भी इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भव्य समारोह के नाते उनका अभिनंदन करेगा, सम्मान करेगा। और इसी नाते जामा मस्जिद, नियामुद्दीन दरगाह, कुतुब मीनार समेत दिल्ली के जो 36 दरगाह है और प्रसिद्ध मस्जिद है, उसमें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता जाएंगे और दीप जलाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सूर्यवंशी राम की खबर आपने देखी, अब जिस वंश से वो आते हैं यानी कि सूर्य से, वहां की खबर आपको दिखाते हैं, क्योंकि भारत ने सूर्य तक पहुंचने की थोड़ी सी दूरी तय की है। आज हिंदुस्तान ने